मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हूं। अंत में जीत सच की ही होती है। कई जगह विरोध होने के बाद और बैन होने के बाद आदिपुरुष फिल्म के मेकर्स ने इसके डायलॉग चेंज किए और ऐसा लग रहा है कि डायलॉग चेंज करने के बाद फिल्म के कलेक्शन को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आदिपुरुष फिल्म का दूसरा वीकेंड आ चुका है और जैसे कि हम सबको उम्मीदें थी उसी तरह दूसरे वीकेंड में आदिपुरुष फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिपुरुष फिल्म के शुरुआती 9 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से सभी भाषाओं में कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आदिपुरुष फिल्म आपको कैसी लगी। आदिपुरुष फिल्म का जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी पता चल चुका था कि यह फिल्म इंडियन इतिहास की एक बड़ी फिल्म बनेगी, यानी कि फिल्म को अगर अच्छे से बना दिया जाएगा तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड से वो सभी तोड़ देगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यहां पर आदिपुरुष फिल्म का पहला टीजर आया था सबने उम्मीदें छोड़ दी और सबको यकीन हो चुका था कि यह फिल्म वैसी नहीं बनी जैसा कि हमें अनाउंसमेंट के टाइम पे लगा था। अब टीजर खराब था जिसे पब्लिक ने काफी बुरा भला कहा, ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया और फिल्म के वीएफएक्स में काफी ज्यादा सुधार कर दिए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं यहां पर फिल्म का जिस तरह का प्रेजेंटेशन था वो लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग तो तगड़ी ली लेकिन वीकेंड के बाद फिल्म के कलेक्शन दिन पे दिन नीचे गिरते रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष ने जब पहले दिन दुनिया भर से 140 करोड़ की शानदार कमाई की थी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि यार फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई कर ली है तो अब तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। और वैसा ही कुछ देखने को मिला दूसरे और तीसरे दिन भी, क्योंकि दोस्तों यहां पर फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों के अंदर ही दुनिया भर से 340 करोड़ की शानदार कमाई कर ली थी। लेकिन दोस्तों, 3 दिनों तक बढ़िया कलेक्शन करने के बाद चौथे दिन से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह डाउन हो गई और यहां पर दूसरा हफ्ता आते आते फिल्म के कलेक्शन इतने ज्यादा गिर गए जिसकी उम्मीदें किसी को भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब जैसे ही दूसरा वीकेंड आया यानी कि छुट्टियों के दिन, वैसे ही फिल्म के कलेक्शन में हल्की फुल्की ग्रोथ आई है। लेकिन यह ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है जैसे कि मुझे उम्मीद थी और बाकी फिल्म इंडस्ट्री वालों को उम्मीद थी। जी हां दोस्तों, अगर बात करें आदिपुरुष फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के हिंदी कलेक्शन की, फिर बात करेंगे सभी भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। तो दोस्तों, आदिपुरुष फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में हिंदी से कलेक्शन 142 करोड़ 50 लाख रुपए का किया था। वही फिल्म ने 8वें दिन सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख रुपए हिंदी से कमाए। वही दोस्तों, इस फिल्म के आज यानी कि 9th डे के कलेक्शन में एक हल्की फुल्की ग्रोथ आई है कल के मुकाबले, फिर चाहे वो मॉर्निंग शोज हो या आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग हो। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक आदिपुरुष फिल्म अपने हिंदी वर्जन में 9th डे लगभग 5.5 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ आदिपुरुष फिल्म का शुरुआती 9 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन इंडिया से 151 करोड़ 80 लाख रुपए का हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आदिपुरुष फिल्म ने सिर्फ हिंदी वर्सन में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन अब अगर बात करें सभी भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म ने पहले दिन 5 भाषाओं से दुनिया भर में 140 करोड़ की कमाई की थी। वही दोस्तों, फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी कि 7 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 424 करोड़ का कर लिया था। फिल्म का 8वें दिन का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 5 भाषाओं का वो रहा सिर्फ 11 करोड़ 50 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, आज यानी कि 9th डे इस फिल्म के जो 5 भाषाओं के कलेक्शन हैं वो कल के मुकाबले आज ज़्यादा बेहतर है, फिर चाहे वो तेलुगु हो, हिंदी हो, सभी लैंग्वेजेस में इस फिल्म को अपने 9th डे मॉर्निंग वाले शोज में जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी काफ़ी सॉलिड हो गई है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक आदिपुरुष फिल्म आज यानी कि अपने 9th डे सभी भाषाओं से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन
लगभग 13 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों आदि पुरुष फिल्म का शुरुआती 9 दिनों के अंदर टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 449 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म शुरुआती 9 दिनों में दुनिया भर से लगभग 450 करोड़ के रेंज में कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों फिल्म का बजट जहां 550 करोड़ रुपए है और फिल्म 9 दिनों में अगर 450 करोड़ की कमाई कर रही है तो बजट के हिसाब से ये कलेक्शन कम है। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं कि ये फिल्म कल यानी कि संडे बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका करती है और दूसरे हफ्ते के वीकडेज में फिल्म कैसा परफॉर्म करती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि यह फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 500 करोड़ रुपए तक पहुंच पाती है या नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, आदि पुरुष फिल्म का फाइनल कलेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आदि पुरुष फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।